हेलो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, जैकफ्रूट, महुआ एंड टी, एंड पूछा गया था विच ऑफ द अबव आर डेसिड्यूअस ट्रीज। अरे, अब देखिए, इस तरह की चीजें किसी स्टैंडर्ड बुक में तो आप नहीं पढ़ोगे, बट अगेन दी रीजन सेम कि मैं क्यों इंडियन एक्सप्रेस पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ रादर देन द हिंदू। ओके, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको डेली न्यूज एनालिसिस में भी इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ रादर देन द हिंदू। द हिंदू ठीक है, बट अभी हमें फॉलो करना है कि यूपीएससी क्या ज्यादा फॉलो कर रहा है, और एक तो इंडियन एक्सप्रेस इज मोर सुटेबल। नाउ सी, जैक फ्रूट की बात करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये इंडियन एक्सप्रेस में, इसने क्लियरली लिखा था यहाँ पर दैट इट इज ए नेटिव वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल, राइट? ट्रॉपिकल है ये जैक फ्रूट, इट इज नॉट डेसिड्यूअस। तो ये पॉइंट हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा, ओके? और यही मैंने एग्जाम हॉल में भी रॉन्ग मार्क किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके? दिस सर्कल किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज महुआ। अगर महुआ की बात करें तो दिस इज द न्यूज आर्टिकल, यहां पर क्लियर मेंशन है दिस महुआ स्पीशीज आर इन ड्राई डेसिड्यूस कंडीशंस। ऑलराइट, तो यही पूछा था हमसे डेसिड्यूस कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज टीक। लेट्स अगेन कम टू इंडियन एक्सप्रेस। यहां पर एक न्यूज आर्टिकल था म्यांमार से रिलेटेड, इसने लिखा था टीक फ्रॉम म्यांमार डेसिड्यूस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो अगेन, ये भी डेसिड्यूस फॉरेस्ट में ग्रो होता है, तो यहां पर भी स्टेटमेंट टू और थ्री हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा ओनली टू। राइट, अगर आप सारे न्यूज़पेपर बिजनेस लाइन नहीं देख पाते हो, लाइव मिनट ना देख पाओ, दैट्स फाइन, ओके? आई एम ट्राइंग टू कवर देम, ओके, होलिस्टिकली आपकी प्रिपरेशन के लिए। बट द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मिस नहीं करना है आपको, ओके? एंड जब जब आपको इस तरह की चीजें दी जाएंगी कि यहाँ पर कोई लेडी बैठी है, वो कुछ बना रही है, आप नहीं ध्यान दोगे, बट यूपीएससी देगा, वो इस तरह की चीजों पर ध्यान देगा। ट्रॉपिकल है, ठीक है, इसका ये ड्राई डेसिडुअस। सिमिलरली यहाँ पे फालतू का न्यूज आर्टिकल था, नहीं ध्यान देता कोई अगर आप डेली न्यूज में पढ़ रहे हैं तो, बट ये जरूरी था कि टीक फ्रॉम म्यांमार डेसिडुअस एज वेल एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरीके से आपको अपना प्रिलिम्स प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट लाइक आजकल की स्टैंडर्ड बुक, और देखिए ये इतनी माइन्यूट बातें ये किसी कोचिंग के मटेरियल में नहीं मिलेंगी। दैट्स आई टेल यू, डोंट रिलाई टू मच ऑन दी कोचिंग मटेरियल्स। ये जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनमें आपको इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ओके? सो थैंक यू।